हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट सीकर्स। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड हमें पड़ी और किस तरीके से निकाला जाता है, उन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे फेमस रूल विच इज 68, 95 और 99.7 रूल, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमारे को डाटा दे रखा होता था, हम जस्ट वहां करते थे फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाल दिया। बट स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड आया कहां से, ये होगा क्या? देखो, अगर मुझे किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है तो किसी दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मेरे पास कौन कौन से मेजर्स हैं, मैं किस तरीके से किसी को बता सकता हूँ कि मैं इतने दूर गया। मैं बोलूंगा या तो मैं 1 किलोमीटर गया, या मैं 1 मीटर गया, या मैं 1 सेंटीमीटर गया, कुछ भी। तो इसका एक यूनिट है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कुछ फ्रूट लेकर के आया, मैं एप्पल लेकर के आया, मैं किसी को क्या बताऊं, किस तरीके से बताऊं कि मैं कितने एप्पल लेकर के आया। मैं उसको बताऊंगा मैं 1 kg एप्पल लाया हूं, मैं 500 ग्राम लाया हूं, मैं ग्राम में बताऊंगा, किलोग्राम में बताऊंगा, कोई डाटा मिलीग्राम में बताऊंगा। यानी कि हर चीज को नापने का एक तरीका होता है, सो दैट उसका कंपैरिजन किया जा सके एक पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू से। यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी डाटा दे रखा है, जैसे एक बच्चे की पॉकेट मनी 10 रुपए है, किसी की 20 रुपए है, किसी की 30 रुपए है, मैं कैसे बताऊं कि कौन से स्टूडेंट की पॉकेट मनी अपनी एवरेज पॉकेट मनी से दूर बैठी है। एक सोसाइटी में 100 बच्चे हैं, हर बच्चे की अपने पॉकेट मनी है। अगर मैं बोलूं वो 99th फ्लोर पे जो सेकंड रूम में बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो सोसाइटी की एवरेज पॉकेट मनी से कितना दूर है, कैसे बताऊंगा मैं दैट पर्टिकुलर गैप, दैट पर्टिकुलर आप कह सकते हो उसके नापने के तरीकों को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाएगा। उस मेजर को क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाएगा। जहां हम कंपैरिजन करते हैं कि वो एवरेज वैल्यू से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर बैठा है, वो एवरेज वैल्यू से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर बैठा है। क्लियर? तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहता है कि सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन, वो कहता है इट्स एन मेजर ऑफ हाउ डिस्पर्स द डाटा इज इन द रिलेशन टू द मीन। कितना डाटा डिस्पर्स है, कैसे फैला हुआ है, कितने कितने दूर बैठा है, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने जैन फेब इस तरीके से ग्राफ में रेनफॉल दिखाया अकॉर्डिंग टू द मंथ, कि कौन से महीने में कितना रेनफॉल हुआ, किसी महीने में ज्यादा हुआ, किसी में कम, किसी में। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि सितंबर मंथ में रेनफॉल अपनी एवरेज वैल्यू से कहाँ बैठा है, कितनी दूर बैठा है, कितनी दूर बैठा है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां वो उसके मेजर के बारे में बात कर रहा है, डाटा की एंट्री के मेजर के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब समझते हैं कि इंपीरिकल रूल क्या है। यार इंपीरिकल रूल इतना प्यारा रूल है, वो कहता है कि आपका डाटा जो है ना, मैं बता देता हूँ, इस 3 वैल्यूज को ध्यान रख लो, ये डाटा सारा इसी तरीके से फैला होगा। जैसे देखो ये कहता है कि अगर यहाँ पे हम इंपीरिकल रूल लगाएं, अगर हम यहाँ पर इंपीरिकल रूल लगाएं, वो कहता है कि अगर ये मेरा डाटा फैला हुआ है, ये इस तरीके से मेरा डाटा यहाँ पर फैला हुआ है, ये है इसकी मीन वैल्यू। जैसे अगर मान लो अपन रेनफॉल की बात कर रहे हैं, ये है इसकी एवरेज वैल्यू कि इतनी ऑन एन एवरेज रेनफॉल हो रही है। तो अगली जो इसकी वैल्यू होगी, जैसे मान लो एवरेज पॉकेट मनी 10 रुपए है, अगले बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो कितनी दूर है, वो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अगले की पॉकेट मनी कितनी दूर बैठी है, यानी कि किस तरीके से नापेंगे, वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। इसी तरीके से ये भी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, लेकिन माइनस में, क्योंकि वैल्यूज घट रही है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अब इसको इंपीरिकल फॉर्मूला से समझते हैं। एक तरह से अगर मैं इस वैल्यू को मैं म्यू बोल रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, एवरेज प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वैल्यू क्या है, एवरेज माइनस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, बेल कर्व बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर ये 100% डाटा है, अगर अब ये सारा का सारा 100% डाटा है, तो इंपीरिकल रूल कहता है अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया काउंट कर रहे हो, या प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हो, या डाटा काउंट कर रहे हो, 68% ऑफ द डाटा, 68% ऑफ द डाटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर हो जाएगा फ्रॉम मीन वैल्यू। यानी कि लेफ्ट और राइट की अगर हम मीन वैल्यू के एरिया की बात करें, तो सारी प्रोबेबिलिटी, सारा डाटा का 68% यहाँ पे है। इसी तरीके से अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट कर लें,
लेफ्ट और राइट दोनों को मिला करके, तो ये पूरे डाटा का 95% एरिया कवर कर जाता है या प्रोबेबिलिटी कवर कर जाता है। अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर कर लें लेफ्ट राइट से तो वो हमारा 99.7% एरिया कवर कर जाता है, बाकी बचा हुआ जो हमारे पास डाटा है 0.3% वो बाद में बैठा है, यानी कि 100% लगभग 100% ऑफ द डाटा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फैल गया। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का एम्पिरिकल रूल, इसको हमेशा से ध्यान रखोगे। क्या कहता है एम्पिरिकल रूल, इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज द 3 सिग्मा रूल, इसको हम 3 सिग्मा रूल भी बोल देते हैं, विच इज वेरी फेमस फॉर द नेम ऑफ विद द नेम ऑफ 6895 एंड 99.7 रूल। इज इट द स्टैटिस्टिकल रूल विच स्टेट्स दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट द ऑब्जर्व डाटा विद फॉल विद इन द 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, लगभग सारा का सारा डाटा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रहा है। क्लियर? तो पहले अपन ने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में होता क्या, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड क्यों पड़ी, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन मीडियन मोड तो अपन ने पढ़ लिया कि क्यों निकालते हैं। अगर मीन मीडियन मोड की वीडियो ने देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, वीडियो देखना, बड़ी प्यारी वीडियो है, समझाया हुआ है कि मैंने मीन मीडियन मोड एक्चुअली में होता क्या है, क्यों नीड पड़ी, निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट व्हेन द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यार जब कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अपने को कैसे पता चलेगा कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो कौन जजमेंट देता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन जजमेंट देता है। हालांकि वेरिएशन पे डिपेंड करता है और हम वेरिएशन के बारे में, वेरिएट के बारे में अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है कि किस तरीके से डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां पे रेशियो के बारे में बात की थी अपन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मेजरमेंट ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूट, सेम लाइन ही आ गई यहां पे। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में हेल्प भी करता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी, खास करके क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स कॉमर्स लाइन में, हम क्या करते होते हैं कि अगर मेरे पास कोई डाटा दे रखा है कि इतने साल में, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है 10% ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर में 12% ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर में 9% ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर में 5% डाउन आ गया, तो बताओ 2017 में अरे वो अपनी एवरेज वैल्यू से कितना दूर बैठा था। इसकी एवरेज वैल्यू मान लो 1990 में आई, तो 2001 की वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितना दूर थी, आगे थी, कितना थी, पीछे थी, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन गैप में थी, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि छोटी वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, कहता है लो और स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट दैट डाटा इज टाइटली अराउंड द मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल करके आता है कि जो डाटा है ना वो अपनी मीन वैल्यू के पास पास बैठा है, टाइट अटैच है, वो अपने पास पास बैठेगा, इसका मतलब ये जो फैलाव है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उतना ही कम होगा। क्लियर? अगर कोई भी हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी मीन वैल्यू से बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, यानी कि मीन वैल्यू से वो दूर दूर बैठा है, तो स्प्रेड या फैलाव क्या होगा, और ज्यादा होगा। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं डाटा को चेक करने के लिए कि किस तरह का डाटा है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला किस तरह से जाता है। देखो दो तरह से हमें डाटा गिवन हो सकते हैं, एक हमें डाटा गिवन हो सकता है इंडिविजुअल सीरीज, एक हमें डाटा गिवन हो सकता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज से मेरे कहने का मतलब है मैंने इस तरह की वैल्यूज दे दी, मैंने आपको बोला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके जाओ, एक मैंने आपको ग्रुप डाटा दे दिया, फॉर्मूला मैं लिख करके जा रहा हूं, मुझे आंसर बताएंगे, ग्रुप डाटा मुझे दे दिया। ग्रुप डाटा से मेरा क्या मतलब है कि 10 से 20 साल के जितने बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी 10 रुपए है, 20 से 30 साल के जितने बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी 20 रुपीज है, इस तरीके से जो हमारे पास डाटा दे रखा होता है ग्रुप डाटा। क्लियर? तो नाउ इंडिविजुअल डाटा और ग्रुप डाटा के लिए क्या अलग अलग फॉर्मूला बन करके यहां पर आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में स्मॉल एन, जहां पे एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास मार्क्स को, जो वैल्यूज हमें दे रखी थी ऑब्जर्वेशंस को, एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है उस डाटा के मीन को, जैसे हम मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द डाटा को, कितने डाटा हमें दे रखा है, 4 वैल्यू दी हुई है, 5 दी हुई है, ये किसको शो कर रहा है क्लास मार्क्स को, और ये वैल्यू किसको शो कर रही है इसकी डाटा की मीन वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में आप इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। ग्रुप डाटा में फॉर्मूला बदल जाता है, एफ आई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का, समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय में कैपिटल एन, या कैपिटल एन की जगह सीधा लिख दो समेशन ऑफ एफ आई, जहां एफ आई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अभी बताई थी ना 10 से 20 डाटा की पॉकेट मनी कितनी है 10 20 30, तो वो पॉकेट मनी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई उनकी क्लास मार्क्स यानी कि लोअर इंटरवल प्लस अपर लिमिट बाय 2 जो हम पहले करते हैं, और मीन वैल्यू यानी कि वो डाटा है उसकी मीन निकालना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो हम इसके लिए मीन की वैल्यू क्या यूज करेंगे, एफ आई एक्स आई का समेशन डिवाइड बाय में एफ आई का समेशन, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जब इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। तो फॉर्मूला हो गया क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने की नीड हमें पड़ी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो आई होप सारी चीजें बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।